ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केटीएम मोटो व्लॉग्स। आज केटीएम ड्यूक 390 BS6 मॉडल के साथ ड्रैग रेस करने वाले हैं अपनी बाइक की, और अपना ये जो नया माइक का सेटअप हो गया है इसको देखते हैं कि अब ये कैसा परफॉर्म करेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि पहले के मुकाबले सेटिंग्स मैंने इसकी चेंज कर दी हैं, और अपना ये जो एंगल है शायद ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा होगा। बट कोई बात नहीं, हम एक बार चेक करके देख लेंगे एंगल अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई आज आपकी डिमांड पे अपनी ट्रैम्प स्पीड 400 की ड्रैग रेस करने वाले हैं KTM ड्यूक 390 BS6 मॉडल के साथ। और दोनों बाइक्स का प्राइस तो आपको पता ही है, अपनी ट्रैम्प स्पीड 400 का जो ऑन रोड प्राइस है वो 2,66,000 है, और अभी अगर आप दिल्ली में इसको लेने जाओगे तो आपको 2,80,000 रुपये के आसपास ही पड़ेगी। और ड्यूक 390 का आपको प्राइस पता ही है, अभी 3,00,000 रुपये के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस है, और 3,50,000-3,60,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस है। वैसे देखा जाए तो यार दोनों बाइक्स के अंदर ही 400cc का इंजन है, इसके अंदर 400cc का इंजन है, उस चीज़ की पावर है 40 PS और 37 Nm का टॉर्क है, और इसका वेट है यार 176 kg, और इसका वेट है 163 kg, लेकिन इसके अंदर 373cc का इंजन है जिसकी पावर 43.5 PS है और 37 Nm का टॉर्क है। सो वेट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों बाइक्स के अंदर, लेकिन आपको पता ही है कि इसका पावर में कोई भी मुकाबला नहीं है। बहुत ही अच्छी पावर है इस बाइक की अपनी सेगमेंट के अंदर, और धांसू परफॉर्मेंस है यार इस बाइक की। लेकिन अपनी स्पीड 400 भी पीछे नहीं है, इसका इनिशियल एक्सेलेरेशन पिकअप बहुत बढ़िया है, मिड रेंज भी इसकी काफ़ी अच्छी है। लेकिन आपको पता ही होगा कि टॉप एंड में कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है, ड्यूक 390 का यार टॉप एंड में कोई मुकाबला है नहीं। सो आज इन दोनों बाइक से एक बार ड्रैग रेस करवाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 0 to 100 km/h की स्पीड दोनों बाइक्स में से कौन जल्दी अचीव करता है, और फिर उसके बाद में दोनों बाइक्स के हम कराएंगे टॉप एंड ड्रैग रेस। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू केटीएम मोटो व्लॉग्स। दोनों ही बाइक्स न्यू है यार, ये तो बिल्कुल अपनी न्यू ही है, आपको पता ही है कि इसको एक महीना भी नहीं हुआ है, और इस बाइक को अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, और दोनों बाइक्स की अभी तक सिर्फ फर्स्ट सर्विस हुई है। और पहले हम 3 अटेम्प्ट करेंगे 0 to 100 के लिए। स्टार्टिंग में यार 60 से 80 के बीच में ये बिल्कुल टक्कर देती है, 80 के बाद ड्यूक 390 ऊपर जाती है, तो इसके फर्स्ट गियर में यार ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है यार, नो डाउट। इनिशियल अच्छा है वैसे स्पीड 400 का, लेकिन 60 से 80 के स्पीड होने के बाद फिर जो है ड्यूक 390 टेक ओवर कर जाती है, तो ये तो पता ही है यार ड्यूक टेक ओवर तो करेगी, क्योंकि ड्यूक की पावर बहुत बढ़िया है। तो ये तो था अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 0 to 100 के लिए। ये रहती है 60 तक ही आगे जाती है, 60-80 तक, फिर उसके बाद ये निकल जाती है। अब की बार लगता है भाई से लॉन्च नहीं हुई अच्छे से, अब की बार मैंने ज़्यादा अच्छे से लॉन्च कर दिया। अरे ये कैसे हो गया भाई, अब की बार तो यार ये आगे निकल गई, क्योंकि मैंने लॉन्च इसका बहुत अच्छे से किया था, थोड़ा लॉन्च डिले हो गया भाई का, बट कोई नहीं, अब की बार थर्ड अटैम्प्ट और करके देखते हैं एक बार। तो अभी भाई अपना 0 to 100 का ही लास्ट अटैम्प्ट है। हो तो भाई बिल्कुल यार, लेकिन 0 to 100 में बिल्कुल यार बाइक टक्कर तो दे रही है, बट ड्यूक 390 को अगर और अच्छे से लॉन्च किया जाए तो ड्यूक 390 का कोई मुकाबला होगा नहीं, लेकिन शायद भाई से ड्यूक 390 उतनी अच्छे से लॉन्च हो नहीं रही, सो इस वजह से ड्यूक 390 थोड़ी सी पीछे रह जाती है स्टार्टिंग में। सो गाइस 0 to 100 का तो हो ही गया दोनों बाइक्स का, फर्स्ट राउंड में ड्यूक 390 आगे चली गई थी, लेकिन उसके बाद स्पीड 400 बाकी दोनों राउंड में विनर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि यार भाई से ड्यूक 390 भाई ने उतनी अच्छे से लॉन्च की नहीं, क्योंकि यार कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा लॉन्च करने में ना खतरा सा रहता ही है, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, पावर तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका वेट काफ़ी कम है। तो आप मान सकते हो कि 0 to 100 में विनर तो एक्चुअली वही है, ये थोड़ी सी मतलब 60 to 80 के आसपास में ये सही रहती है, लेकिन उसके बाद वो आगे निकल जाती है। तो अब दोनों बाइक्स का हम टॉप एंड ड्रैग रेस करते हैं फाइनली। भाई लॉन्च उतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन 120 के बाद भाई आगे निकल गया है। सो 120 के बाद तो यार ये टेक ओवर करी जाती है वैसे भी, अगर अच्छे से लॉन्च ना हुआ तो भी। वन ट्वेंटी के बाद ड्यूक आगे निकल चुकी है भाई,
काफी आगे जा रही है ड्यूक। क्या स्पीड निकल पाएगी आगे? पर भाई ने स्लो कर लिया यार। ओके ओके ओके। सो गाइज, इनिशियल एक्सेलेरेशन का तो आपने देख लिया होगा। इनिशियल एक्सेलेरेशन में स्पीड जरूर ड्यूक 390 को थोड़ा टक्कर दे रही है, 60 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक। लेकिन भाई थोड़ा सा लॉन्च डिले कर रहे हैं, लॉन्च उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से स्पीड थोड़ी सी आगे निकल जाती है। सो इनिशियल एक्सेलेरेशन में तो जरूर स्पीड 400 थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन टॉप एंड की अगर बात की जाए तो टॉप एंड में ड्यूक 390 का कोई मुकाबला है नहीं। सो टॉप एंड में बिल्कुल स्पीड 400 बीट नहीं कर सकती ड्यूक 390 को। ड्यूक 390 विनर साबित होती है टॉप एंड के मामले में। सो गाइस, इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और भाई के एफर्ट्स के लिए यार बिल्कुल इस वीडियो पे एक लाइक तो ठोक के जाना। आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तभी यार भाई को मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।